बात सुनो जी। अगली ट्रेन कब आएगी? सुबह 8 बजे। लाहौर की है? जी। कौन हो तुम और यहां अंधेरे में क्या कर रही हो? जी मैंने लाहौर जाना है और मेरी ट्रेन छूट गई है और पता चला कि अगली ट्रेन सुबह 8 बजे आएगी। अभी रात के 12 बजे, ट्रेन तो सुबह आनी है, यहां अंधेरे में क्यों बैठी हो? जाके वेटिंग रूम में बैठो। खतरा है मुझे अंदर। खतरा? अच्छा ठीक है, नहीं बताना चाहता, ना बताओ, मुझसे भी डर रही हूं, लेकिन एक बात याद रखो, मौत से बचने के लिए अंधेरा सहारा नहीं होता। वो लोग यहां भी आ सकते हैं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। अच्छा ठीक है, यहां पास ही मेरा क्वार्टर है, आज रात गुजार लो वहां, सुबह ट्रेन आएगी तो चली जाना। लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, हालात भी ऐसे हैं आजकल। अच्छा ऐसा करो, जहां तुमने जाना है वहां का फोन नंबर मुझे दो, मेरी बात कराओ। फोन तो नहीं है। माही ने हवेली की दहलीज मारने की, हमारी इज्जत की खाक उड़ा दी है चाचा। तू ये सोच बाबरी कि वो कलमू ही अब घर वापस कैसे आई। सरकार हमारे जाने से पहले छोटी बीबी स्टेशन से गाड़ी में बैठ के कहीं चली गई है और हवेली के बाहर छोटी बीबी का ये फोन पड़ा था और किसी का फोन भी आ रहा है। हाँ माही कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ और तुम अटेंड ही नहीं कर रही। और ये बताओ कि तुम घर से निकल पड़ी हो, मेरे पास लाहौर कहाँ और कब पहुंचोगी? ताकि मैं तुम्हें वहां से रिसीव कर सकूं। माही तुम बोल नहीं रही, कुछ बोलो तो सही। हेलो हेलो लगता है बैटरी डेड हो गई है। ये फोन पे कौन बात कर रहा था? हमारी गैरत का दुश्मन।
क्या मतलब? कौन था? जो भी था लाकर आपके कदमों में फेंक दूंगा, बस आप देखें मैं करता क्या हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? मैसेज कर रहा। किसे? जब तुम बात कर रहे थे तो मेरे फोन की बैटरी लो होने की वजह से ऑफ हो गया था। मैं गांव से चल पड़ी हूं, अपनी व्हाइट लैंड क्रूजर पर आ रही हूं। शादी हाल के सामने मेरा इंतजार करना, तुम वहां आकर मुझे ले लेना। तुम्हारी माही। माही? कौन है ये माही? एक्चुअली डैड, वो मेरी क्लास फेलो है। वो मुझे बहुत पसंद करती है। आज वो अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ रही है। बहुत खूब। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरा बेटा आज अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला करने वाला है। जाहिर है डैड, अगर जिंदगी मेरी है तो इसका फैसला करने का हक भी तो मुझे ही होना चाहिए। ये बेटा ही जवान होने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने का हक क्यों जताता है? जानते हो, माँ बाप अपनी औलाद के बारे में उस वक्त सोचना शुरू कर देते हैं जब वो अपनी माँ के पेट में होते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप अपनी औलाद के लिए स्ट्रगल करते हैं, अपना पेट काटकर औलाद का पेट पालते हैं, और वही औलाद जब जवान हो जाती है तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना शुरू कर देती है। प्लीज डैड, मुझे मेरे फैसले से हटाने की बेकार कोशिश मत करें। प्लीज डैड, मेरा फोन मुझे वापस कर दें।